ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में पहले एक भी बेड नहीं था कोरोना उपचार के लिए, आज वहां पे 55,000 बेड्स में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा करके उपचार की सुविधा प्रदेश दे रहा है। तो क्या ये प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के अंदर हुई प्रगति का प्रमाण नहीं हो सकता है? एक दूसरा, 2,50,000 के आसपास जो मामले आज के दिन पर होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में जितने भी पेशेंट हैं इन सभी के साथ संवाद बनाने का कार्यक्रम हर जिले में, हमारा उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा होने के बावजूद जिसने अपने हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया। आप लखनऊ में या नोएडा में रहते होंगे और मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप अगर मैसेज देंगे सूचना विभाग के साथ, कभी हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट करिए और उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को आप देखेंगे कितनी प्रतिबद्धता के साथ और कितनी जवाबदेही के साथ राउंड द क्लॉक वहां पे हर कर्मचारी कार्य कर रहा है, हर एक विभाग का, उसमें हर एक का इंचार्ज कोई एक सीनियर अधिकारी बनाया गया प्रशासनिक अधिकारी है। और उसके बाद अलग अलग मेडिकल की टीम अपनी जगह काम करती है, होम आइसोलेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ने की कार्रवाई अलग से है। होम आइसोलेशन में हर एक व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है कि उसको मेडिकल किट उपलब्ध हो जाए और टेली कंसल्टेशन उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से या जनपद के अंदर से प्रारंभ मिल सके, ये व्यवस्थाएं भी प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में प्रारंभ की गई है और ये लगातार पिछले एक वर्ष के अंदर क्रिएट की गई है। जागरूकता की जहां तक बात है, प्रदेश के अंदर आप लोग फील्ड में उतरते होंगे, देखते होंगे जगह जगह जो माइक लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये जागरूकता के लिए तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से लगातार, ये केवल ये सेकेंड स्ट्रेन आने के बाद नहीं, इससे पहले भी ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ था जिसके माध्यम से लगातार लोगों को मास्क पहनने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अपील उनसे लगातार की जा रही थी कि आप लोग कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल भी अपने को वो न करें, लापरवाही न करें, मास्क को धारण करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, अगर किसी चीज को छूते हैं तो अपने हाथ को साबुन से धोएं, नहीं तो सैनिटाइजर से साफ कर लें। इन चीजों के बारे में लगातार प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में आप देख रहे होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर एक जनपद में लगा हुआ है और हर एक जनपद में कार्य हो रहा है। अनुमान करिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, यानी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है, जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना, मैं आपको बताता हूं, ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है, दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है, सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। तो मेरा उस दिन लखनऊ के हॉस्पिटल्स के साथ बैठक थी, 6 बजे बैठक मेरी होनी थी। इसी प्रकार से मेरी ये बैठक वहां पर जब प्रस्तावित थी, 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा मैंने, मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था, उसने मुझे यानी बैठक के पहले पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है, उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उसके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी, लगे माफी मांगने कि साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन
स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं, यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है, 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची है। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में है। देखिए ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि भाई सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण, ये राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक एक डेढ़ साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना के पहले उसमें एक साल में जनता के सामने कभी दर्शन नहीं दिए वे लोग भी आज होम आइसोलेशन में रह करके भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से या एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से किस प्रकार की नेगेटिव चीजें कर, जिनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं। और मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि मैंने ये कुछ चीजें आपके सामने रखी हैं, ये प्रदेश के अंदर हैं। हमारे पास देखिए एक ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतने रेमडेसिविर हर एक जनपद को और हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है, और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। हुआ क्या कि जब नवंबर से लेकर के मार्च के यानी फरवरी के अंत तक ये 4 महीनों में कोविड के मामले बहुत कम आए तो कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। कंपनियों के प्रोडक्शन के नाते ये चीजें सामने आई कि रेमडेसिविर नहीं था, अचानक इसकी डिमांड बढ़ी, अचानक बढ़ी तो किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कुछ समय लगता है और फिर वह उसकी सप्लाई की चेन को बनाती है। कुल 6 कंपनियां भारत के अंदर रेमडेसिविर बना रही हैं। भारत सरकार ने कुछ नई कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं, उनमें उनके पास पहले से ही बाहर के भी ऑर्डर थे। उन स्थितियों में भारत सरकार ने जैसे उत्तर प्रदेश का वो किया कि 10 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,20,000 रेमडेसिविर मिलेंगे, हमने उसका उसी प्रकार की एक व्यवस्था बनाई। कुछ रेमडेसिविर हम लोगों ने कंपनियों से सीधे बातचीत करके लिए और फिर वहां से अपने स्टेट प्लेन भेज करके उनसे मंगवाए, जिससे यहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सके। ऑक्सीजन के लिए भी इसी प्रकार की एक चेन बनाए उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना, आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है, 1,75,00,000, और 1,75,00,000 की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है, उस सब के बावजूद उनके यहाँ 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान। हमारे हर बड़े मेडिकल कॉलेज में संस्थान में हमारे ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जितने बेड्स उनकी क्षमता है
उतने की हमारे पास ऑक्सीजन की क्षमता है। जैसे आप एसजीपीजीआई में जाएंगे, उनके पास जितने बेड्स हैं जो फंक्शनल रहे हैं उतने का उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है, लेकिन अगर हमें अतिरिक्त बेड देने पड़ेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट में खासतौर पर अगर जो व्यक्ति समय पे उपचार नहीं करा रहा है, लापरवाही कर रहा है, एचएफएनसी की उपयोगिता जब होती है तो इसमें कई गुना ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ऑक्सीजन एक तो ये, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही एक तो ये व्यवस्था यहां पर प्रारंभ की थी, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट हो इसकी तैयारी, बड़े मेडिकल कॉलेजेज में भी, बड़े 300 बेड के हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था पहले ही अपनी शुरू कर दी थी। 39 हमारे ऑक्सीजन प्लांट नए लगने के ऑर्डर पहले से प्लेस हुए हैं, पहले से दिए जा चुके हैं जहां पे हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, और वहां पर हमारी ये कार्रवाई चल रही, क्योंकि उस क्षमता सीमित है, कंपनियां सीमित हैं, उसकी प्रोसेस की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये चीजें हम लोग पहले से कर रहे थे, इसलिए यूपी के अंदर उतनी क्राइसिस नहीं थी जितनी दिल्ली के अंदर है, क्योंकि दिल्ली में अगर ऑक्सीजन प्लांट पर पैसा खर्च किया गया होता और उसके लिए नियत पैसे को उस पर लगाया गया होता, ये चीजें वहां पर नहीं होती, लेकिन यूपी के अंदर हम लोगों ने उसके लिए व्यवस्था पहले से की। दूसरा, भारत सरकार ने जो आवंटन किया है उस आवंटन के अनुसार त्वरित निर्णय लेते हुए टैंकर उपलब्ध करवाना, हमने जैसे ही यहां भारत सरकार ने आवंटन की प्रक्रिया ली और ऑक्सीजन को आवंटन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा, तो हम लोगों ने जितने भी प्राइवेट टैंकर थे उन सभी को टेक ओवर करते हुए यहां पे गृह विभाग के अधीन एक कंट्रोल रूम बना दिया, और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक टैंकर को जीपीएस के साथ जोड़ करके उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग करनी हमने शुरू कर दी। और उसके बाद हम लोगों ने व्यवस्था की, फिर हम लोगों ने रक्षा मंत्रालय के साथ संवाद बनाया, भारत सरकार के सहयोग से हमें रक्षा मंत्रालय के विमान मिले, हम लोगों ने टैंकर यहां से रांची पहुंचाने का कार्य किया, और रांची भेजने के बाद फिर वहां से, क्योंकि खाली टैंकर तो उससे भेजे जा सकते हैं, लेकिन वहां से फिर ट्रेन से, वो ट्रेन वह ऑक्सीजन भर करके वे जहाज नहीं लेके आते हैं, इसलिए हम लोग वहां से फिर ट्रेन से लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 दिन के अंदर दूसरी ट्रेन आज लखनऊ में ऑक्सीजन लेकर के पहुंची है। ऐसे ही हम लोग जामनगर से भी, हमें अप्रोच रिलायंस ने भी किया था कि उन्होंने भी, और टाटा ग्रुप ने भी किया था, अडानी ग्रुप ने भी किया था, वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं यूपी को। हम लोगों ने किसी से सिलेंडर मांगे, कुछ से टैंकर मांग रहे हैं, कुछ लोगों से अन्य व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप सोचिए कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में कुल 32 टैंकर थे और हमने पिछले एक सप्ताह के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 72 टैंकर वर्तमान में हमारे चल रहे हैं ऑक्सीजन के, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति हर जनपद में सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में हो रही है। समस्या ऑक्सीजन नहीं, समस्या एक उन जमाखोरों का है जो अनावश्यक रूप से स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक। दूसरा, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, जब वह भी लाइन में खड़ा होता है तो एक उस जरूरतमंद का हक मारा जाता है जिसको वास्तव में होम आइसोलेशन के दौरान भी उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या बहुत सारे श्वास के रोगी होंगे जिनको पहले से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, उसका हक वो लोग मार रहे हैं। और मेरी इसलिए अपील थी मीडिया से कि हम अपने यहाँ पैनल डिस्कशन कराते हैं, तो इसमें पैनल डिस्कशन में इस प्रकार के विशेषज्ञों को बुला करके अगर हम उनसे करा सके कि नहीं भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए नहीं आवश्यक है, भाई जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम हुआ है, हम उनके बारे में बता सकते हैं कि भाई आखिर उन लोगों को किस प्रकार के बिहेवियर को अपनाने की आवश्यकता है। वह पीठ के बल लेटने की बजाय, फ्लैट लेटने की बजाय, अगर वो पेट के बल लेटे, बायां करवट लेकर होकर के सोए, तो हो सकता ऑक्सीजन की कम खपत उसको होगी, ऑक्सीजन का लेवल उसका मेंटेन रहेगा। दूसरा, हॉस्पिटल में हम लोगों ने इसीलिए हर हॉस्पिटल, सरकारी और प्राइवेट हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की ऑडिट के लिए 7 संस्थाओं को हमने नामित किया है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईएम लखनऊ, एकेटीयू लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आपका प्रयागराज, और एसबीटीयू कानपुर, इन सब 7 संस्थाओं को हम लोगों ने इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद की, हर हॉस्पिटल की ऑक्सीजन ऑडिट करवाने के लिए भी कहा है। क्योंकि हो क्या रहा है, हॉस्पिटल में एचएफएनसी
कभी कभी पेशेंट अपने आप उस रेगुलेटर को ज्यादा कर दे रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं लेकिन वो ज्यादा कर रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह रेगुलेटर खुला रह जा रहा है, ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है। ऑक्सीजन के वेस्ट को बचाना और उस वेस्ट ऑक्सीजन को, जो वेस्ट वेस्ट होने से बच रही उस ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जरूरतमंदों को हो सके, इसीलिए ऑक्सीजन ऑडिट की कार्रवाई हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी वर्तमान में चल रही है। ये कार्य भी हम लोग इसके साथ इसीलिए जोड़ चुके हैं। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि पिछले 3 दिनों के जो डाटा हमारे पास है, जो टेस्टिंग की क्षमता हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बढ़ाई है, प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता, देखिए मौजूदा स्थिति में ही नहीं हम लोग सेकेंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम लोगों ने हर एक जनपद को मौजूदा जितनी उनकी बेड्स की क्षमता है उसको दुगना करने के लिए पहले से आदेश किया है कि आप बढ़ाइए। लेकिन समस्या केवल बेड्स बढ़ाने की नहीं है, बेड्स तो हमारे पास पर्याप्त है, उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति भी अनवरत रूप से बनी रहे इसके बारे में भी उनको कहा गया है। ट्रेंड मैन पावर हो इसके लिए भी उनको किया गया, इनके लिए भी पहले से ही सभी जनपदों को पैसा भी दिया गया है और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को इस बारे में कहा गया कि वे लोग इस प्रक्रिया को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें। कंटेनमेंट जोन को भी हम लोगों ने प्रभावी ढंग से कार्य प्रारंभ किया है। कंटेनमेंट जोन किस तरीके से हो, हम लोगों ने पहले 25 मीटर और 50 मीटर का एक रेडियस लिया था, लेकिन अगर एक मोहल्ले में कई ऐसे कंटेनमेंट जोन बने हैं तो वहां पे एक बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा गया कि बड़ा कंटेनमेंट जोन आप उसमें तैयार बनाइए। और इसमें स्वयं से भी संगठनों का सहयोग, सिविल डिफेंस है, एनएसएस है, एनसीसी है, यानी फोर्स के साथ साथ इन चीजों को भी इसके साथ जोड़िए। ग्लव्स मास्क को अनिवार्य करने की दिशा में कार्रवाई, और ये भी किया गया आपने देखा होगा मास्क के यानी न लगाने पर इन्फोर्समेंट की कार्रवाई को हमने तीव्र किया। पहले जो बिना मास्क के चले, व्यापक जागरूकता के बावजूद 1,000 रुपये, और दूसरी बार अगर वही व्यक्ति गलती करता है 10,000 रुपये का उसमें पेनल्टी लगाने की कार्रवाई। और इसमें यह भी निर्णय सरकार ने किया है कि मास्क के इन्फोर्समेंट से जो पैसा कलेक्ट कलेक्ट होगा इसमें से आधा पैसा हम सड़क सुरक्षा में दे देते हैं, आधा पैसा सरकार ने निर्णय किया है कि जरूरतमंदों को मास्क बांटने, जो फील्ड के कर्मचारी और कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराने के लिए इस पैसे का उपयोग होगा। ये भी प्रदेश सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दिया है। तीसरा, मेडिकल किट की व्यवस्था, हर एक होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज को मेडिकल किट उपलब्ध हो जाए, और मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के लिए उसमें सभी प्रकार की जरूरी दवाइयों के साथ साथ ये भी व्यवस्था उसके साथ दी जा रही है कि सीएम हेल्पलाइन को केवल इसी के साथ जोड़ा गया है कि सीएम हेल्पलाइन दो काम करेगी, एक होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को मेडिकल किट मिली कि नहीं मिली है और उसके संतुष्टि लेवल को चेक करें, दूसरा सीएम हेल्पलाइन जो हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट हैं उनके साथ संवाद बनाएगा, संवाद इस बात को लेकर, और ये लगातार कार्य चल रहा है कि पेशेंट वहां डॉक्टर और सीनियर फैकल्टी राउंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वहां साफ सफाई है कि नहीं है, बेडशीट बदली जा रही है कि नहीं बदली जा रही है, भोजन समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से अन्य सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हो रही कि नहीं हो रही है, इन चीजों को लेकर के भी सीएम हेल्पलाइन का उपयोग बेहतर तरीके से प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। हर एक जनपद में, मैं तो चाहूंगा आप में से ज्यादातर जो हमारे संपादक गण हैं ये ज्यादातर लखनऊ या फिर नोएडा में रहते हैं, और मैं चाहूंगा सूचना विभाग इस बात की जरूर व्यवस्था करें कि आप लोगों को एक बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विजिट जरूर करवाएं, आप लोग देखें एक बार वहां की व्यवस्था को और फिर उसकी तुलना करें अन्य राज्यों से कि अन्य क्या अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई है, और कैसे यानी एक एक चीज को वहां पर मैपिंग की जा रही है और कैसे एक एक चीज की जानकारी लेने के साथ साथ हर एक चीज पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन चीजों को किया जा रहा है। तो ये चीजें वहां पर इस रूप में करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की भी विशेष कार्रवाई चल रही है। देखिए आज के दिन पर हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया है सभी 75 जनपदों में। पहले सरकार की ये थी व्यवस्था की
2000 एक्टिव केस जिन जनपदों में होंगे वहां पे ऑटोमेटिक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। लेकिन हमारे 16 जनपद अभी भी ऐसे थे जहां पे एक्टिव केसेस इससे कम थे, 2000 से कम थे, लेकिन हमने इसको पूरे प्रदेश के अंदर नाइट कर्फ्यू को अनिवार्य रूप से लागू किया है। दूसरा, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी का उपयोग स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग के लिए किया है। ये स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, देखिए कोरोना का जो वर्तमान में जो संक्रमण है यह एयरबोर्न ज्यादा है, हवा में इसके वायरस है, हवा में इसके वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वह उसके संक्रमण को रोकने में एक ब्रेकर का काम कर सकता है। और इसलिए आपने देखा होगा हर एक नगर निकाय में, ग्राम पंचायत में व्यापक स्तर पर हाइपोक्लोराइड का घोल का छिड़काव करने की कार्रवाई, सफाई के विशेष अभियान, फॉगिंग की कार्रवाई, ये इसीलिए हर एक जनपद में की जा रही है साप्ताहिक बंदी के दौरान भी और अन्य दिन से भी इन चीजों को यहां पर करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिक, मुझे लगता है कि पिछली बार जब दिल्ली से लॉकडाउन जब मार्च 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था उस दौरान आपने देखा होगा कि दिल्ली से अचानक बड़ी संख्या में कामगार और श्रमिक निकले थे, उस समय मीडिया ने उसको खूब हाईलाइट किया था। लेकिन इस बार भी जब दिल्ली में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो रात्रि में 1.5 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक दिल्ली से निकले थे और पूरी रात्रि में उन लोगों को हम लोगों ने वाहनों की व्यवस्था की और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। यह सच था कि पिछली बार जब कामगार और श्रमिक आ रहे थे उस समय इन्फेक्शन नहीं था, इस बार काफी बड़ी मात्रा में इन्फेक्शन था। उनके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, जिनके पास घर में व्यवस्था थी उन्हें होम आइसोलेशन की व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है और ये कार्रवाई हम लोग निरंतर इसके साथ कर रहे हैं, इन चीजों को कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर निजी चिकित्सालय और लैब्स को भी, कल आपने देखा होगा हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया है और वो ये किया है कि अगर सरकारी हॉस्पिटल्स में बेड्स कम हो गए हैं या बेड्स नहीं है किसी जिले में तो जिले के अंदर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कोई भी पेशेंट जिसको हॉस्पिटल में जाना आवश्यक है वह किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होगा, उसको कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं करेगा और उसका उपचार हम लोग आयुष्मान भारत के तर्ज पर उस हॉस्पिटल का भुगतान सरकार करेगी लेकिन किसी पेशेंट के लिए कोई मना नहीं करेगा। दूसरा, लैब्स के बारे में, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी और लैब्स के बारे में भी, कि कोई भी जांच के लिए मना नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी जांच नहीं करा पा रहा है सरकारी लैब्स में, उसको लगता है ज्यादा समय लग रहा है, एंटीजन टेस्ट के आधार पर भी एडमिशन की व्यवस्था हमने अनिवार्य कर दी है। दूसरा, ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट लैब्स में भी, अगर सरकारी लैब में उसका ज्यादा वेटिंग आने की संभावना है तो वह प्राइवेट लैब्स में अपना उपचार कर ले, सरकार उसके उसका भुगतान करने जा रही है और इसके लिए हमने रेट तय कर दिए हैं, उसके बारे में व्यवस्थाएं हमने तय कर दी है। ये चीजें हमारी लगातार प्रदेश के अंदर चल रही है। इसके अलावा 2 घंटे हो गए बोले, हेल्पलाइन भी जारी की है हर जनपद में और प्रदेश स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की एक हेल्पलाइन है जिसमें हम लोग टेली कंसल्टेशन यानी टेली मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको, जो नॉन कोविड पेशेंट है या कोविड पेशेंट है, दोनों के लिए हम लोगों ने हर एक जनपद में व्यवस्था की है। इसके अलावा शाम को 5 से 6 बजे के बीच में SGPGI के द्वारा वर्चुअल ICU की व्यवस्था की गई है, क्योंकि वर्चुअल आज के, आप याद करिए जब कोरोना के मामले आए थे प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जहां ICU के एक भी बेड नहीं थे, आज हमारे पास हर जनपद में ICU के बेड्स उपलब्ध हैं, वहां पे ICU मौजूद है, उनके पास वेंटिलेटर मौजूद है, HFNC मौजूद है, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम पहले से संपन्न हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई समस्या उनके सामने है तो हम लोगों ने SGPGI को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि SGPGI उन्हें वहां पर वर्चुअल ICU के साथ जोड़ेगी और हर दिन 5 से 6 बजे के बीच में SGPGI के एक्सपर्ट उन्हें इस बारे में अवगत कराते हैं, पेशेंट के बारे में अगर कहीं किसी की कोई क्वेरीज है तो उसके बारे में भी उसका समाधान करने का काम प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुझे आपको बताते हुए एक जो बात, वैक्सीनेशन को लेकर के भी एक बात चली थी,
वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो हमारा लगभग आज हम लोग 4 करोड़ टेस्ट पूरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ये देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट हैं, किसी भी राज्य के द्वारा किए गए सर्वाधिक टेस्ट हैं। दूसरा वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है। आज के दिन पर हम लोग लगभग 1,20,00,000 लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 1,20,00,000 लोगों को वैक्सीन, जिसमें से हमारी जो वैक्सीन की स्थिति है उसमें हम लोग लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों को पहली डोज दे चुके हैं और 20,00,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज भी मिल चुकी है, यानी एक बड़ी संख्या है। और पहली मई से हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है। हम लोग चाहते हैं कि व्यापक पैमाने पर चीजें हों। वैक्सीन लगाने के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है। कोई भी वैक्सीन होता है उसके अपने रिएक्शन भी होते हैं, और इसलिए सावधानी के लिए आप देखे होंगे वैक्सीनेशन के हर एक सेंटर में कुछ सावधानी बरती गई है। एक कोरोना से भी लड़ना है, वैक्सीनेशन भी कराना है। इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के क्षेत्र में वहां पर वेटिंग एरिया बनाया है जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ सके। फिर वैक्सीन लेने के बाद भी ये व्यवस्था की गई, वहां एक ऑब्जर्वेशन का एरिया भी है जहां पर लोग बैठ करके वैक्सीन के आधे लगने के आधे घंटे तक बैठ करके उसको ऑब्जर्व वहां के विशेषज्ञ कर सकेंगे। ये प्रक्रिया बनाई जा रही। 8,000 ऐसे सेंटर हम प्रदेश के अंदर तैयार कर चुके हैं। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर, क्योंकि कंपनियों से खरीदने की हमने कभी 1 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर प्लेस किए हैं, बहुत सारी दोनों कंपनियों के द्वारा इतना ऑर्डर उनके पास पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि उनके द्वारा अभी इसके बारे में एक इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराने में अभी थोड़ी दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। लेकिन हम लोग पहली मई से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसकी पूरी कार्य योजना हमने बना दी है कि 45 प्लस वालों को तो लगेगा ही, 18 प्लस वालों को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी इसमें जो वो चीज हमारे लिए जो चैलेंज होगा वह होगा कि वैक्सीन के वेस्टेज को रोकना और जरूरतमंदों को वैक्सीन मिल जाना। हम लोगों ने इसमें काफी बड़ी सफलता अब तक प्राप्त की है, और खासतौर पर जब वैक्सीन के पहले चरण में जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हमने देखा था कई जनपदों में और कई राज्यों में वेस्टेज 20 से 25 फीसदी था। धीरे धीरे करके उसको कम लाया गया। यूपी में हम इसको 5% से कम करने में सफल हुए हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि वैक्सीनेशन को हम लोग जीरो, यानी इसके वेस्टेज को हम जीरो पे लेके आ जाए, और इसके लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उपयोग भी इसमें भी किया जा रहा है कि हम उतने लोगों को सेंटर पे बुलाएं जितने लोगों को वैक्सीन लगे। एक तो अनावश्यक भीड़ रुकेगी, और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है, जिससे उतने ही लोग सेंटर पे आएंगे जितना वायल में वैक्सीन होगा। और कोई वायल अगर खुले, क्योंकि इसमें 2 चीजें रखनी पड़ेंगी, एक कोल्ड चेन को मेंटेन करना, दूसरा अगर कोई वायल एक बार खुल गया तो उसके बाद वह दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है, आपको उसी समय उसका उपयोग करना पड़ेगा। कोल्ड चेन उसकी तभी मेंटेन रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। इसलिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी हम साथ साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की ये कार्रवाई यहां पर चल रही है। मेरी आप सबसे कुछ चीजों पर अनुरोध होगा, और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी। कल मैंने जानबूझ करके मीडिया के सामने एक भेजा था, एक अपील भेजी थी अपनी तरफ से कि जिसपे एक बहुत बड़ा काम और एक मानवता का बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो मीडिया अगर उस अपील को अपने तरीके से या उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों के माध्यम से भी अगर निकाल देगी, बहुत बड़ा काम हो सकता है। कि एक तो हम इस चीज को ध्यान में रखें कि ये सामान्य फ्लू नहीं, एक महामारी है। हम महामारी से लड़ रहे हैं इस समय, और महामारी से लड़ने के लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा, पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा। सरकार हर प्रकार की हर संभव सुविधा देगी, और मैं इस बात को कह सकता हूं, ना ऑक्सीजन को कोई ब्लैक कर सकता है, ना कोई बेड्स की किल्लत होने दी जाएगी, नहीं रेमडेसिविर या किसी जीवन रक्षक दवाओं की कोई कमी होने दी जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी को रोकने में मीडिया की बड़ी भूमिका हो सकती है। हम लोग तय कर सकते हैं, अगर शमशान के विजुअल दिखाने की बजाय हम जो रिकवरी से लोग ठीक होकर के जा रहे हैं उनको दिखाएं, तो हर व्यक्ति प्रोत्साहित होगा। जो ये पैनिक स्थिति पैदा हो रही है कि लोग दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन की लाइन में खड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति बेड की लाइन में खड़ा हो रहा है, कुछ लोग रेमडेसिविर के लिए दौड़ रहे हैं,
कोई आवश्यकता नहीं उसकी। सरकार काम कर रही है, हमारा तंत्र काम कर रहा है, पहले से बेहतर स्थिति में काम हो रहा है, और ये मीडिया को इस चीज को तय करना पड़ेगा कि हम कौन से विजुअल दिखाएं। जो व्यक्ति स्वस्थ होकर के हॉस्पिटल से जा रहा है, हम उसके विजुअल दिखाएं या शमशान घाट की जलती हुई चिता को हम दिखाएं। शमशान घाट की चिता को अगर आप किसी भी स्थिति में दिखाएंगे तो मुझे लगता है वो हमेशा स्थिति को पैनिक करेगा। लेकिन जब हम रिकवरी, आप याद करिए, जब आगरा और नोएडा से उत्तर प्रदेश के पहले कोरोना पॉजिटिव केसेस को मार्च 2020 में रिकवरी के बाद मीडिया ने जब उसको पॉजिटिव तरीके से दिया था, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ था। यानी कोरोना कोई इतना, यानी इसमें जो मृत्यु दर है इतनी ज्यादा नहीं है कि जिससे कोई भयभीत हो। हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें मृत्यु दर 2-3% से अधिक नहीं है, लेकिन अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम इसको और न्यूनतम स्तर पर पहुंचवा देंगे। लेकिन अगर हमने आज के दिन पर अगर आप देखेंगे, यूपी की मृत्यु दर कुल 0.5% है, लेकिन अगर आप अन्य जगहों की स्थिति देखेंगे, ये 5% तक पहुंची है बहुत सारी जगह। ये चीजें भी आपके सामने देख सकते हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों का आप देखेंगे, उनके अंदर अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु दर इतनी ज्यादा कैसे? इसलिए जो चीज अपने यहां अच्छी हो रही है उसको अगर हम लोगों के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, एक तो ये चीजें उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। दूसरा, धैर्य से चैलेंज को फेस करना। धैर्य खोने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, अधीरता से समस्या का समाधान नहीं होने वाला, उतावलापन से या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी हम दिखा दें, कुछ भी हम बोल दें, उससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। समस्या का समाधान तो धैर्य के साथ समस्या को समझना, फिर उसके अनुरूप उसका कार्ड तैयार करना और उसका पब्लिक को उसमें राहत देना, और उन चीजों को लेकर के अगर हम कार्य कर पाएंगे, ये कुछ पॉजिटिव स्टोरी बन सकती है। मैंने जो आपसे अनुरोध किया था कि इस फील्ड के विशेषज्ञ हर एक जगह हैं, जैसे एक जो यहां पर जानबी आई कि होम्योपैथ से बहुत सारे लोग इसका उपचार हो सकता है, होम्योपैथ के कुछ विशेषज्ञों को हम पैनल डिस्कशन में बिठा सकते हैं, उनके द्वारा भी बताया जा सकता है क्या हो सकता है। आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके माध्यम से भी क्या चीजें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बताया जा सकता है। अच्छे चिकित्सा विशेषज्ञ आज हमारे पास हैं जिनके पास पिछले 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने 1 वर्ष के अंदर इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे विशेषज्ञों का हम आधा घंटे का पैनल डिस्कशन करवा सकते हैं, उनकी अपील या उनकी वार्ता या उनके साथ एक बातचीत का एक हम अपने यहाँ चैनल में उनका विशेष शो करा सकते हैं और उसको हाईलाइट कर सकते हैं। पब्लिक देखेगी, पब्लिक उसके प्रति जागरूक होगी, पब्लिक उसके प्रति वो करेगी, और उन चीजों को अगर हम बताएंगे, पॉजिटिव स्टोरी को अगर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति सरकार कर रही है, सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है, हमने हर प्रकार के वो खोले हुए, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली किसी को भी। लेकिन स्थिति को पैनिक बनाने की बजाय अगर हम उसमें नेगेटिव उसको देने का प्रयास करेंगे, नकारात्मक न्यूज को हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक के मन में भी ये बात होती है, क्योंकि एक जो थ्योरी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो कभी कभी लोगों को भी लगने लगता है कि वास्तव में ये जो लोग 100 लोग बोल रहे हैं या 100 बार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग गलत। एक कंफ्यूजन की स्थिति, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अफवाहों को हर हाल में रोकना, और सरकार की कार्रवाई चल रही है। रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन पकड़े गए हैं ये वास्तव में सही इंजेक्शन नहीं थे, डुप्लीकेट इंजेक्शन है, और ये जो डुप्लीकेसी चल रही है ये कार्रवाई, हम मेरे आदेश पे सारी कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, लगातार हम लोग इस पे कार्रवाई भी कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के अवैध और अनैतिक धंधे के साथ लिप्त है, जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, NSA लगाएंगे, उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करके सख्त कार्रवाई भी करेंगे। ये हम लोग इसके साथ चल रहे हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह होगा कि प्रदेश ने जो आशंकाएं आप की हैं, इन सब की व्यवस्थाएं की हैं, और मैंने आवश्यक समझा कि इसके बारे में मैं आपको अवगत भी करा दूं प्रदेश सरकार की। यद्यपि मैं प्रतिदिन टीम 11 की बैठक करता हूँ, टीम 11 की बैठक में क्या निर्णय हुए हैं, क्या हमारी तैयारी है,
ये हर एक मीडिया को हम लोग इसको लिखित डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाते हैं, एक बकायदा सबके पास जाती है, और नहीं होती तो मैं फिर से सूचना विभाग से कहूंगा कि प्रतिदिन प्रत्येक के पास, हर एक मीडिया के पास ये जाना चाहिए, दिखना चाहिए हमारी क्या तैयारी है, कैसे हम चीजों को लेके कर रहे हैं। और हम लोग उसी स्तर पर जा रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा ये सामान्य फ्लू नहीं है, ये महामारी है, सदी की महामारी है, और महामारी से लड़ने के लिए सरकार के इंतजाम भी उसी द्रुत गति से बढ़ तो रहे हैं। हमारी टीम इसी से काम कर रही है कि कोरोना पर हम विजय तब प्राप्त करेंगे जब उससे 10 कदम आगे हम लोग चलेंगे, और उसी रणनीति पर हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव माहौल बनाने और माहौल को पैनिक न बनाने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, बाकी व्यवस्थाएं सरकार करेगी। और सरकार इस बात के लिए आश्वस्त कर रही है कि किसी के सामने कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, ना बेड की, ना बेड्स की, ना ऑक्सीजन की, ना जीवन रक्षक दवाओं की, या किसी भी अन्य स्तर पर। मेरी लगातार अधिकारियों के साथ बातचीत होती है, कल मैंने इससे पहले सर्वदलीय बैठक राज्यपाल महोदया के साथ संपन्न करवाई थी, स्थानीय निकाय के चेयरमैन, मेयर और पार्षदों के साथ हम लोगों ने संवाद बनाया था। इसके बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी, यानी जितने भी हमारे जो इन सभी चीजों को लेकर के आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी प्रदेश के अंदर निरंतर चल रही है, जिलाधिकारियों के साथ, पुलिस अधीक्षकों के साथ, सीएमओज के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ। कल मेरी स्वयं जितने भी मंडलायुक्त हैं, एडीजी जोन है, आईजी रेंज है, डीआईजी रेंज है, एडी हल्ता है, इनके साथ मेरी बैठक थी। कल मेरी बैठक अभी फिर होने जा रही है सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के जितने इंचार्ज हैं उनके साथ, आईएमए और मेडिकल यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ कल मेरी इसी प्रकार की एक वेबिनार होने जा रही है, जिसमें सरकार के उसके बारे में कि सरकार ने क्या तैयारी की और सरकार की मंशा क्या है, किसी पेशेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसी आक्रामकता के साथ जैसे हम लोग पहले लहर में काम कर रहे थे उसी आक्रामकता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन निहित स्वार्थी तत्वों को स्पेस न दिया जाए जो नेगेटिविटी पैदा करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू हैं, और कुछ अच्छी सक्सेसफुल स्टोरी को भी अगर हम लोग महत्व दे सकेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीजें सामने आ सकती हैं, जिससे जिसका हम सामना करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस बारे में आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, और राज्य सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करेगी, कार्य कर रही है, और आने वाले समय में हर प्रकार की परिस्थिति को भी हम पूरी मजबूती के साथ फेस करने को तैयार हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी मित्रों का, जिन्होंने आज के इस जो है संवाद के कार्यक्रम में यहाँ पर अपना समय दिया है, जी से दिलीप तिवारी जी, न्यूज 18 से अमीश देवगन जी, एबीपी गंगा से रोहित सांवल जी, आज तक से कुमार अभिषेक जी, एबीपी से श्री संजय त्रिपाठी जी, न्यूज स्टेट से श्री आलोक पांडे जी, इंडिया टीवी से रुचि कुमार जी, इंडिया न्यूज से शेरविंद चतुर्वेदी जी, न्यूज वन से अनुराग चड्डा जी, रिपब्लिक टीवी से श्री विवेक राय जी, टीवी 9 से सुमेश पाठक जी, हिंदी खबर से श्री अतुल अग्रवाल जी, सुदर्शन टीवी से श्री रजत मिश्रा जी, सहारा समय से श्री रमेश अवस्थी जी, इंडिया वाइज से श्री अखंड शाही जी, न्यूज 24 से मानस श्रीवास्तव जी, इसी प्रकार से जनतंत्र टीवी से श्री अनुप मिश्रा जी, कामना जी एएनआई से, और दूरदर्शन से श्री राम प्रताप सरोज जी, आप सब ने आज के संवाद में भाग लिया है। मैं आप सबको एक बार फिर से हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और विश्वास करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ने और इस पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।